सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाली, मेरी क्या लगती है? वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है, बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, मेरा कुछ नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसने मुझसे अपील की? उसके बेटी के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया होता या इसके साथ खुद हुआ होता तो क्या ये माफ करती? ऐसी औरत है कि मानव अधिकार के नाम पे पैसा लेते हैं सब, अपना धंधा चलाते हैं सब। मुझे इसको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के अनुसरण की जरूरत नहीं है। इंदिरा जयसिंह को मैं जानता हूँ, मिले भी हैं, लेकिन उनको हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस दरिंदों को फांसी के लिए साथ साथ से लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक मिनट में इनको ख़त्म कर दें, तो इनकी सोच गलत है। ये बलात्कारियों की माँ हो सकती है, लेकिन एक औरत होकर के एक औरत का दर्द ना समझना, ये बड़ी नाइंसाफी है और बहुत गलत बात है। उसको पता है कि हम साथ साथ से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि इनको फांसी हो। आज भी 4 दिन से कोर्ट में दौड़ रहे हैं। ये कहाँ थे उस समय जब ये घटना हुई थी? क्या उनका अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं है? निर्भया का अधिकार नहीं है?